ये एक डोरेमोन का ऐसा एपिसोड हो सकता है जिसे देखने के बाद क्या पता आप रात को सही से सो भी ना पाओ। तो इसीलिए वॉच एट योर ओन रिस्क। तो डोरेमोन का ये वाला एपिसोड मुझे सबसे पहले पर्सनली रेडिट पे मिला था, जहाँ पे उसने अपनी ये कहानी बताई हुई थी कि जब वो छोटा था तब टीवियों में कैसेट्स चला करते थे। कभी आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि जब पहले उन्हें मूवीज देखनी होती थी तो वो कैसेट्स पे आती थी। तो इसी तरह इस बंदे ने काफी सारी डोरेमोन की कैसेट्स ले रखी थी, और उस टाइम जापान में डोरेमोन नया नया ही काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो इसीलिए उसके काफी सारे ऐसे एपिसोड्स थे जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, जो कि सिर्फ कैसेट्स पे ही लॉन्च हुए थे। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग काफी नॉर्मल वे में ही होती है। सबसे पहले डोरेमोन का थीम सॉन्ग चलता है, और उसके बाद नॉर्मल ही जैसे डोरेमोन के हर एपिसोड में इंट्रो होता है वैसे ही इसमें भी होता है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट सीन में नोबिता दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। थोड़ा सा एपिसोड जब आगे बढ़ता है तब हमें पता लगता है कि नोबिता इसलिए परेशान है क्योंकि उसको जियान ने काफी ज्यादा मारा होता है, और इस वजह से नोबिता काफी ज्यादा परेशान होकर सबसे पहले डोरेमोन के पास जाता है। नोबिता जल्दी जल्दी भागता है अपने घर की तरफ ताकि वो जल्दी से डोरेमोन के पास पहुंच जाए, और जैसे ही वो डोरेमोन के पास पहुंचता है काफी ज्यादा अजीब अजीब चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही नोबिता डोरेमोन को सबसे पहले बुलाता है तो डोरेमोन कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है, वो बस वहीं पे बैठा रहता है, जो कि ये चीज नोबिता को काफी ज्यादा अजीब लगती है। जिसके बाद जैसे ही नोबिता बताना स्टार्ट करता है कि उसे अब की बार भी गैजेट चाहिए क्योंकि वो फिर से जियान से पिट के आया है, उसके बाद काफी ज्यादा अजीब चीज होती है। डोरेमोन वहां पे मुड़ के देखता है और जो उसका लुक होता है वो काफी ज्यादा स्केरी होता है उस टाइम, यहाँ तक कि नोबिता भी उसे देख के काफी ज्यादा डर चुका होता है। डोरेमोन वहां पे मुड़ के कहता है नोबिता से कि अब की बार अगर तुमने गैजेट मांगा तो मैं तुम्हारे वहीं पे खेल खत्म कर दूंगा। और उस टाइम जो डोरेमोन का फेस होता है वो आज तक का सबसे ज्यादा स्केरियस्ट फेस होता है, यहाँ तक कि जो व्यूअर उस एपिसोड को उस टाइम देख रहा होता है वो भी काफी ज्यादा डर चुका होता है उस टाइम तक। डोरेमोन ये सब कह के वहीं से तुरंत निकल जाता है अपना बैम्बू कॉप्टर लगा के, और डोरेमोन इतना ज्यादा उस टाइम गुस्से में होता है कि वो जाते वक्त भी नोबिता को कह के जाता है कि मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूँ, मेरा अब दिमाग खराब हो चुका है, अगली बार अगर तुमने गैजेट मांगा तो मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगा। यह कह के ही डोरेमोन वहां से तुरंत निकल जाता है। नोबिता काफी ज्यादा होपलेस फील कर रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करेगा, और उसके बाद नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है डोरेमोन से। उसके बाद नोबिता ठान लेता है कि वो अब जियान से अकेला ही लड़ेगा बिना किसी डोरेमोन की हेल्प के। उसी के बाद नोबिता जल्दी से नीचे जाता है अपने घर में, जहाँ पे उसकी मम्मी बैठी होती हैं, और वो भी नोबिता को काफी ज्यादा डांटने लग जाती हैं क्योंकि उस दिन नोबिता के टेस्ट में 0 मार्क्स आए होते हैं और उसके टीचर भी वहीं पे होते हैं, जिसकी वजह से नोबिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और नोबिता काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है। डांट खाने के बाद नोबिता जल्दी से भागता है जियान को पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए, और उसे जियान थोड़ी ही दूर पे मिल भी जाता है अपने प्लेग्राउंड के सामने। नोबिता वहां पे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो जियान का मजाक उड़ाने लग जाता है। नोबिता जियान का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है बार बार, इसी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्से में आके उसको एक बहुत ही जोर से पंच मारता है। उसी के तुरंत बाद ही नोबिता वहीं पे गिर जाता है और चारों तरफ वहां पे ब्लड ही ब्लड हो जाता है, जिसको देख के बाकी दोस्त भी होते हैं जो नोबिता के, यानी कि सिजू का सुनियो, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद नोबिता जैसे ही दोबारा उठता है काफी ज्यादा स्केरी दिख रहा होता है क्योंकि उसके काफी ज्यादा ब्लड आ चुका होता है उस टाइम। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने घर भाग जाते हैं, जिसके बाद नोबिता फिर से अपने घर जाता है अपने आप को सही करने के लिए, जहाँ पे उसको दोबारा से डोरेमोन मिलता है। नोबिता डोरेमोन को दोबारा बुलाता है, जिस टाइम डोरेमोन नोबिता के ही कमरे में बैठा होता है। डोरेमोन जैसे ही मुड़ता है वैसे ही नोबिता देखता है कि डोरेमोन की आंखें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, डोरेमोन की आंखें पूरी पूरी लाल हो चुकी हैं, और डोरेमोन एक काफी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। नोबिता ये देख के फिर से काफी ज्यादा डर जाता है और उसे डोरेमोन की वही वाली बात याद आ जाती है कि अब की बार मुझे बिल्कुल मत बुलाना। जिसके बाद जैसे ही डोरेमोन नोबिता को देखता है डोरेमोन का दिमाग खराब हो जाता है। डोरेमोन के दिमाग के अंदर
काफ़ी सारे अजीब अजीब टाइप के शॉर्ट सर्किट्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा वियर्डली बिहेव करने लग जाता है, जिसके बाद नोबिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन उसका फेस इतना ज्यादा स्केरी लग रहा होता है कि डोरेमोन भी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन क्योंकि डोरेमोन के दिमाग में काफी ज्यादा शॉर्ट सर्किट्स हो रहे होते हैं, इसलिए डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वो सीधे ही नोबिता के पीछे भागने लग जाता है। इसके बाद नोबिता भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो दोनों भागते भागते एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि आपने काफी सारे एपिसोड्स में देखा होगा। क्योंकि नोबिता ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि नोबिता थोड़ी दूर में ही भागते हुए थक जाता है। लेकिन जैसे ही पीछे नोबिता देखता है, वैसे ही डोरेमोन अपना बिग नाइफ सीधा ही नोबिता में मार देता है और नोबिता का वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। डोरेमोन उस टाइम काफी ज्यादा भागते हुए आ रहा होता है, इसलिए वो भी पीछे नदी में गिर जाता है और एपिसोड की एंडिंग काफी ज्यादा अजीब तरीके से यहीं पे हो जाती है। और जो व्यूअर जिसने ये वाला एपिसोड पूरा रेडिट पे लिखा था, वो उसके बाद बताते हैं कि इसे देखने के बाद वो इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि वो सीधा ही सोने चले जाते हैं, जिसके बाद वो अगली सुबह जब उठते हैं तो उनका दिमाग काफी ज्यादा अजीब स्टेट में हो जाता है। वो हर जगह ढूंढते हैं कि ये वाला एपिसोड उनको कहीं पे मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं भी इंटरनेट पे ये वाला एपिसोड कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद ये वाला एपिसोड काफी बार उनके सपने में आया है, जो कि काफी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए, और यहीं पे उनका रिव्यू पूरा खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर सबसे पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक नहीं करिए तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपने भी कोई डोरेमोन का ऐसा ही एपिसोड देखा है काफी ज्यादा खतरनाक टाइप का, तो फिर कमेंट में पूरी कहानी बता देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।